हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर विनीता, MPT ऑर्थो, IAP, एंड टुडे आर टॉपिक ऑन द कैलस टेंडनाइटिस, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. हेयर इज़ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, डॉक्टर विनीता फिजियो. And you can follow me on YouTube, Dr. Vinita Physiotherapy Junoon channel. So we proceed to our topic, callus tendinitis. Callus tendinitis, have you seen in the picture that how you can assess a patient? Your hand placement, patient foot placement, here you see all. And in this video, we will discuss the assessment part thoroughly and the treatment part. So if any question about this, you can comment me in the comment section. Here are, I think, 40 students are there. So if you want to join the Zoom video next time, please message me to the Instagram. What is callus tendinitis? This is the inflammation of the callus tendon and its peritoneum. Peritoneum is the layer of the callus tendon, which is incorrectly described as a tenosynovitis. No synovial lining around the tendon at the posterior and inferior surface of the calcaneus tendon is susceptible to friction forces. Poor healing, slow recovery, because tendon have a poor splice this particular area. ये जो पूरा area है यहाँ पर जो blood supply है वो बहुत कम होती है इस tendon के area में, ठीक है. दूसरा, friction यहाँ बहुत ज़्यादा होता है. तो क्या है कि ये condition होने के chances इस area में बहुत ज़्यादा होते हैं tendinitis. तो वहाँ पर आपको particular क्या है, inflammation हो रही है patient को, फर्दर यूज़ कर रहा है पेशेंट, देन इट कॉज द टीयर. ओके, हम इसमें क्या करेंगे, ऑनसेट कैसे स्टार्ट होता है ये पेशेंट को. 20 to 40 ईयर्स की एज में पेशेंट कंप्लेंट करेगा. पेशेंट विद द एज ऑफ 20 to 40, ऑनसेट इज ग्रेजुअली इन नेचर ड्यू टू ओवर यूज़, ठीक है. ओवर यूज़ के कारण पेशेंट को हो रहा है, रनिंग जैसे जो एथलीट्स जो रनिंग करते हैं, या फिर ऑन हार्ड सरफेस, या फिर जंपिंग वगैरह में. ड्यूरेशंस, सिम्टम्स डेवलप्स ओवर सेवरल वीक्स. लेंथ ऑफ द टाइम डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ स्पोर्ट्स. लाइक इफ ए फुटबॉल प्लेयर, और इफ सिंपल लाइक शॉर्ट पुट प्लेयर, देन डिफरेंस इज दैट कि जो फुटबॉल प्लेयर है, ही हैव टू रन, शी हैव टू रन, तो वो रनिंग के कारण, जंपिंग के कारण उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे सिम्टम्स के, अदर देन द शॉर्ट फुट प्लेयर. फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एक्टिविटी. देयर यूजुअली एग्जर्सर्बेशन और रिमिशन ऑफ वन लॉन्ग कंटिन्यूस एपिसोड. सम टाइम व्हेन पेशेंट डूइंग ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, सिम्टम्स मे अपियर. पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या है, पर्टिकुलर एक्टिविटी में ये है कि पेशेंट बार बार वही, मतलब रनिंग कर रहा है तो वो उसको छोड़ नहीं रहा है, बार बार रनिंग कर रहा है तो. और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जैसे रनिंग कर रहा है तो मे बी इनिशियल में पेन हो या फिर एंड में पेन हो, तो प्लांटर फ्लेक्सन में पेन है, डोर्सी फ्लेक्सन में पेन है, वो हम एक एक्टिविटी को नोटिस करते हैं. नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ सिम्टम्स, normally in the callus tendon side of the tendon and at calcaneal attachment. You see here in the picture, ये pain का area है patient का, यहाँ पर भी pain हो सकता है patient को. Then symptoms, common symptoms क्या हैं, stiffness, patient जो आपको complain करेगा stiffness, pain along the callus tendon, यहाँ से worse with the activity and is present in the morning. सीवियर पेन द डे आफ्टर एक्सरसाइजिंग. थिकनिंग ऑफ द टेंडन, ओब्वियसली वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है तो थिक तो होगा ही. बोन स्पर्स,
constant swelling that and gets worse throughout the day with activity. A sudden pop in the back of your calf or heel. पेशेंट की काफ या हील में एक सडन पॉप की भी साउंड आ सकती है. डीप नैगिंग एक रनिंग के टाइम पे, वेट बियरिंग एक्टिविटी के टाइम पे पेन आ रहा है पेशेंट को. इन एक्यूट कंडीशन सिम्टम्स ऑन अप हील वॉकिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड पेन, स्टिफनेस इन डे टाइम एट टेंडन एंड हील. दीज आर सम सिम्टम्स यू कैन ऑब्जर्व इन योर पेशेंट. देन इज ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स. इन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन पार्ट, लाइक माइल्ड स्वेलिंग. सेकेंड इज द इन क्रोनिक केसेस देर इज थिकनिंग इन कंपेरिजन. कंपेरिजन में क्या है कि आप हमेशा आप ध्यान रखिए, आप नी को टेस्ट कर रहे हैं या आप एंकल को टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरे बॉडी पार्ट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं. तो इसको भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको थिकनिंग मिलेगी. लाइक पेशेंट के अगर राइट साइड में पेन है, पेशेंट इज अफेक्टेड फ्रॉम राइट साइड, देन यू सी दैट द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड्स आर वैरिड इन क्रोनिक केसेस. देन वी मूव टू द एक्टिव मूवमेंट्स. लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट मेनली डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द लिमिटेड, नी फुली एक्सटेंडेड. जब आपका नी फुली एक्सटेंडेड हो उस टाइम पर जो आपकी डोर्सिफ्लेक्शन होगी वो लिमिटेशन में आएगी मूवमेंट. नो पेन ऑन एनी ऑफ द एक्टिव मूवमेंट्स. पेन नहीं हो रहा है बट लिमिटेड मूवमेंट. सो सेकेंड थिंग इज पैसिव मूवमेंट्स. इन एरिया ऑफ अकेलेस टेंडन हील में प्रोड्यूस लोकल डिस्कम्फर्ट वेन अप्लाइंग ओवर प्रेशर इन टू एंड रेंज ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन. इसमें भी आपका नी फुली एक्सटेंडेड है. एक्यूट केसेस के अंदर ही आपको डोर्सिफ्लेक्शन के टाइम पे जो एंड रेंज है वहाँ पे आके पेन होगा. अदरवाइज द ऑल मूवमेंट्स आर पेन फ्री. नेक्स्ट इज हेयर यू सी इन दिस पिक्चर कैलस टेंडेनाइटिस. ओके दिस पार्ट एंड दिस इज द पेन एरिया ऑफ द पेशेंट. ओके आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप कैसे कंपेयर करेंगे, लाइक किस चीज़ से आप कंपेयर करेंगे दोनों, जो आपके अकेलेस टेंडन हैं उनको कैसे कंपेयर करेंगे वो मुझे बताएं जरूर. सॉरी माय राइटिंग ऑन दिस स्लैप इज वेरी पुअर और ड्रास्टिक यू कैन से. रजिस्टर्ड मूवमेंट्स पेन फ्री विद गुड स्ट्रेंथ. प्लांटर फ्लेक्शन इन वेट बियरिंग आफ्टर रिपीटिशन में कोज पेन. पेन फ्री विद गुड स्ट्रेंथ रजिस्टर्ड मूवमेंट. सेकेंड इज प्लांटर फ्लेक्शन इन वेट बियरिंग आफ्टर रिपीटिशन में कोज पेन. फुल प्लांटर फ्लेक्शन टू फुल डोर्सी फ्लेक्शन ऑन वन लेग में कोज डिस्कम्फर्ट. दिस सिचुएशन इज ऑन द रजिस्टर्ड मूवमेंट्स. ओके नेक्स्ट इज द पल्पेशन. पल्पेशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट शुड बी इन रिलैक्स्ड पोजिशन. पेन इलिसिटेड ऑन पल्पेशन पोस्टीरियर ऑफ द कैल्केनियस एंड ऑन प्रेशर अप्लाइड विद द फिंगर एंड थंब अलोंग द साइड ऑफ द कैलस टेंडन. दिस पल्पेशन शुड बी डन जेंटली एज एनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाइड इन दिस वे इज अनकम्फर्टेबल. सो ऑलवेज मैंशन दैट द पल्पेशन शुड बी जेंटली. आप ज़्यादा ओवर प्रेशर नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करेगा. इवन द नॉर्मल सब्जेक्ट्स देर मस्ट बी नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिसकंफर्ट प्रोड्यूस्ड ओवर द अफेक्टेड टेंडन एज कंपेयर टू द अनअफेक्टेड साइड ऑफ द फाइंडिंग टू बी सिग्निफिकेंट. ओके नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द ट्रीटमेंट पार्ट. फर्स्ट those who are treating the patient, जिनके पास अभी अकेलेस टेंडेनाइटिस का पेशेंट है, प्लीज़ कॉमेंट भी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं और क्या मेरा ट्रीटमेंट आपके ट्रीटमेंट से वेरी करता है. सो प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो ताकि सबको नॉलेज मिले आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो और क्या और अच्छा हो सकता है इसमें. तो प्लीज़ कॉमेंट करें कॉमेंट सेक्शन में.
तो हम अपना ट्रीटमेंट पार्ट शुरू करते हैं। द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन ए रिजीम ऑफ आइस एंड रेस्ट विद ए स्मॉल हील रेस प्लेस्ड इन द शू टू बी यूज एट ऑल टाइम्स। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आइस और रेस्ट देंगे पेशेंट को। यहाँ पे रेस्ट के लिए आप टेपिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। और आप स्प्लिंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन है तो। सेकंड, आप पेशेंट को शू शू पे हील रेज के लिए दे रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे मतलब कंफर्टेबल हील रेज के लिए आपके पास हील में डालने के लिए जो आ रहे हैं और डिवाइसेस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। द पेशेंट शुड डिसकंटिन्यू रनिंग और एनी अदर वेट बियरिंग एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस सिम्टम्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 weeks डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को इंस्टेंटली आप स्टॉप कर देंगे। वाई? बिकॉज रिपीटिटिव ट्रॉमा इज़ वेरी डेंजरस टू द पेशेंट। ए स्टेशनरी बाइक कैन बी यूज विद ए लो टू मीडियम रेजिस्टेंस एज टॉलरेटेड टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एज रिक्वायर्ड बिकॉज यू हैव ए पेशेंट हु आर एथलीट। सो दिस हैव टू बी मैंशन दैट उसकी जो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है, फिटनेस है, वो मेंटेन करनी है आपको, स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ रेस्ट द पेशेंट कैन बी प्रोग्रेस टू एक्टिव फुट एंड एंकल एक्सरसाइजेस एंड पैसिव स्ट्रेचेज ऑफ द एकेलेस टेंडन। हीट एंड अल्ट्रासाउंड शुड बी अप्लाइड बिफोर स्ट्रेच एंड आइस आफ्टरवर्ड। आप अल्ट्रासाउंड की डोजेज मैंने आपको एक वीडियो दी है पहले, यू कैन जस्ट चेक आउट द वीडियो कि हाउ मच डोजेज यू कैन अप्लाई एंड द हीट शुड बी अप्लाइड एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग यू कैन गिव द आइस। वन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस दैट दिस फाउंड यूजफुल इज़ द न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर टू प्रोड्यूस ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल विद द पेशेंट इंस्ट्रक्टेड टू होल्ड द फुट इन डोर्सिफ्लेक्शन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्शन ईच टाइम दे अकर। द पेशेंट कैन देन बी फर्दर प्रोग्रेस टू वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस। इसमें क्या है कि जब आप मसल स्टिमुलेटर दे रहे हैं पेशेंट को वैन इन द डोर्सिफ्लेक्शन कंडीशन, और आप उस पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप साथ में डोर्सिफ्लेक्स कीजिए, क्या है पेशेंट कांट बी बोर्ड और पेशेंट क्या है कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। देन जो आप न्यूरो रिसेप्टर्स हैं, द रिसर्च आर शोइंग दैट दे वर्क मोर एनर्जेटिकली। द पेशेंट कैन देन बी फर्दर प्रोग्रेस टू वेट बियरिंग एक्सरसाइज सच एज डबल हील रेज, स्टेप अप्स फॉलोड बाय पैसिव वेट बियरिंग स्ट्रेचेस एम एट गेनिंग फर्दर मोबिलिटी ऑफ द टेंडन। नेक्स्ट, टू विच एंड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होल्ड रिलैक्स टेक्निक कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड। द पेशेंट देन प्रोग्रेस टू यूज ऑफ द न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फॉर द काफ मसल विद एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन कैरिड आउट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्शन एज इट अकर्स। अल्ट्रासाउंड एंड लेजर इज ऑल्सो हेल्पफुल। ओके, देन वंस द पेशेंट इज एबल टू कोप विद द वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज विग्रेस स्ट्रेचेज विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट देन द वेट बियरिंग एक्टिविटी कैन बी प्रोग्रेस टू इंक्लूड यूजिंग ए स्टेप मशीन एंड एक्सरसाइज बाइक विथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लायोमेट्रिक्स सच एज जम्प डाउन जम्प अप एंड स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लैक्शन डोर्सी फ्लैक्शन एक्सरसाइज सच एज हील रेज ओवर द एज ऑफ द स्टेप और टूल। हीट मे बी यूज बिफोर एक्सरसाइजेज आइस आफ्टर एक्सरसाइजेस इज वेरी नेसेसरी एंड हेयर यू कैन स्टार्ट द वेट बियरिंग स्ट्रेचेज ऑफ द एकेलेस टेंडन। द पेशेंट कैन फाइनली प्रोग्रेस ऑन टू ए स्ट्रॉन्ग सिंगल लेग वर्कआउट एक्टिविटी सच एज यूज ऑफ बैलेंस बोर्ड और मिनी ट्रैम्पोलिन और अगेंस्ट द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम। वट आर द रेस्ट्रिक्शंस? पेशेंट शुड इनिशियली बी एडवाइज टू स्टॉप रनिंग। दिस मे बी डिफिकल्ट टू अचीव एज द पेशेंट ऑफन सीक ट्रीटमेंट वेन द सिम्टम अपीयर, सो रनिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। नेक्स्ट इज
In this situation, never works like longer the patient is allowed to carry on attempting activity that produce the symptom, worse the condition become, the more difficult to treat and less likely to clear completely. A firm will avoid a great deal of frustration on the part of both the patient and the therapist. The patient should also advise to restrict the amount of repetitive activity. So, like particularly in the form of permanent heel raise may be necessary, particularly in the distance runners. Like return to running or all these things are after you give patient the strengthening. So here are the exercise part. You can comment me in the comment section what are your reasons. So if any question, any doubts, please comment me, and thank you. Like, share and subscribe, and follow me on the Instagram as well as on the Facebook.